हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जल्द लाइनमैन की डेट अनाउंस होने वाली है। भोपाल सिंह खदरी हरियाणा एचएससी के चेयरमैन के दोस्तों बयान आए हैं, या तो अक्टूबर में या दोस्तों नवंबर में जो है लाइनमैन की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्स के अंदर दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या रहेगा, सारी की सारी डिटेल से डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। और दोस्तों आपको अगर पूरी बुक्स की PDF चाहिए लाइनमैन की, और आपको आज तक जितने भी HSC के या दोस्तों राजस्थान के लाइनमैन के एग्जाम जितने भी हुए हैं उनकी PDF चाहिए, तो हमें जो है WhatsApp पर मैसेज कर सकते हो। हमारा WhatsApp नंबर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो है मिल जाएगा। दोस्तों PDF का चार्ज 100 रुपीज जो है रहेगा, वो आप किसी भी फोन पे गूगल पे पेटीएम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे दोस्तों हरियाणा सरकार कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स अगर ले रही है तो उसमें 40 क्वेश्चन के अराउंड जो है टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे शिफ्ट अटेंडेंट का एग्जाम था, वाटर पंप ऑपरेटर का एग्जाम था, या दोस्तों लाइनमैन का एग्जाम है, या दोस्तों ITI इंस्ट्रक्टर के जो अभी एग्जाम्स हुए थे उनकी भी हम बात कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, 100 वाट 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध मान क्या होगा। यहाँ दोस्तों प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान पूछा गया है, और रेजिस्टेंस के मान को जो मापा जाता है वो ओम में मापा जाता है। इसके 3 फार्मूले होते हैं बेसिकली, VI यानी दोस्तों वोल्टेज जो है बटे में करंट, और इसके बाद P यहाँ से शुरू करेंगे VIP V। ठीक है, एक ये दूसरा फार्मूला हो जाता है, वोल्टेज की स्केयर बटे में हो जाता है हमारा पावर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है I VIP VIP और VIP। ये दोस्तों हो जाता है हमारा जो है थर्ड फार्मूला रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, P बटे में हो जाता है हमारा I2। तो इसके अंदर हमें 2 क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, एक तो वाट दी गई यानी दोस्तों पावर दी गई है, और एक दी गई है वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला इसके अंदर हमारा बनेगा V2 बटे में हो जाएगा हमारा पावर। तो V2 कितनी दी गई है इसमें, 200 का हम कर देंगे स्क्वायर, और इसके बटे में आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो इसको जब शॉर्ट आउट हम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 ओम। क्या आ जाएगा, 400 ओम। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 ओम। एक 100 वाट 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध मान होगा 400 ओम। ये पूरे के पूरे फार्मूले दोस्तों मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें सारे के सारे फार्मूले कैसे याद करने हैं वो मैं करवा दूंगा। जैसे पावर निकालने के कितने फार्मूले होते हैं, 3। रेजिस्टेंस निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, वोल्टेज निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, करंट निकालने के भी कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, कैपेसिटर अपने अंदर संग्रह करता है। यानी दोस्तों कैपेसिटर जो है दो प्लेटों के बीच जो है, ये कैपेसिटर का हमारा हम सिंबल लगा लेते हैं, सिंबल होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर अपने अंदर क्या संग्रह करता है, वोल्टेज को, धारा को, ऊर्जा को, या आवेश को। तो वोल्टेज जो होता है वो अपने अंदर क्या संग्रह करता है, आवेश को संग्रह करता है। किसको, आवेश को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दो पोलों के बीच के बने झोल को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों दो पोल है, उनके बीच तार लगा हुआ है, और उस तार के बीच में जो झोल आता है, ठीक है, लाइनमैन की परीक्षा का एग्जाम है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो उस दो पोल के जो झोल को कहा जाता है उसको सेग कहा जाता है। ठीक है, जैसे दो पोल है उनके बीच में ये तार लगी हुई है, और इस प्रकार का जो झोल बनता है उसको क्या कहते हैं, सेग कहते हैं। ठीक है, और दो पोलों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों नाम जो है हमारे टेक्निकल नाम है, समेन या तार करप्ट, ऐसा कोई नाम टेक्निकल लाइन के अंदर नहीं होता है। दो पोलों के बीच के बने झोल को सेग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है। यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है। ठीक है, तो वो क्या कम करेगा, ठीक है, वोल्टेज को, करंट को, शक्ति को, या धारा को। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा इसका हमारा बी। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो दोस्तों क्या करेगा, वोल्टेज को तो बढ़ाएगा, यहाँ कम करता है पूछा गया है, तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और करंट को क्या करेगा, कम करेगा। ऐसी सर्किट की एक क्वालिटीज होती है कि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है, और करंट बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है, उल्टे अनुपात में होता है। ठीक है, जबकि हम DC सर्किट की बात करते हैं, जैसे ओम्स लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो वोल्टेज करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो DC सर्किट में लागू होता है, और ये हमारा होता है AC सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, ट्रांसफार्मर टैंक में होता है। ट्रांसफार्मर टैंक की बात करें तो उसमें वाइंडिंग भी होती है, ऑयल भी होता है, लेमिनेशन यानी दोस्तों जो हमारी इसमें कोर रखी जाती है वो आपस में क्या करके रखी जाती है, लेमिनेटेड करके रखी जाती है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ट्रांसफार्मर टैंक में वाइंडिंग भी होती है, ऑयल भी होती है, और लेमिनेशन भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध है, यानी दोस्तों लाइट पर प्रकाश पर कौन सा जो रेजिस्टेंस है वो निर्भर करता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स। आर्मेचर रिएक्शन, सबसे पहले तो आर्मेचर रिएक्शन समझना हमें ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा जो मान लो ये रोटर है, ये दो पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। जब आर्मेचर घूमता है तो इसका अपना एक फ्लक्स बनता है, और जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो हम सप्लाई देते हैं तो इसका अपना एक फ्लक्स बनता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लक्स मिलके आपस में लड़ते हैं, ठीक है, जिससे एक रिएक्शन जो है पैदा होता है, ठीक है। इन फ्लक्स जो फील्ड पोलों से जो पैदा फ्लक्स होता है वो तो सारा का सारा काम में आता है, ठीक है। और जब आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो करंट बहता है उसका जो फ्लक्स पैदा होता है वो हमारे कोई काम नहीं आता है, उसी को ही कहा जाता है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर एक तो एक्शन लेता है, एक रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब कोई चीज़ जो है नुकसान में जा रही है, ठीक है, तो इसी को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। इसकी वजह से कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाती है, जो डीसी जनरेटर मोटर की एफिशिएंसी जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव है वो मुख्य फ्लक्स पर क्या पड़ता है इसकी बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, चुंबकन व क्रॉस चुंबकन होता है, ठीक है, चुंबकन व क्रॉस चुंबकन, क्योंकि दोस्तों ये चुंबकन हो गया, ठीक है, मेन फ्लक्स का क्या हो गया चुंबकन, और इसका जो आर्मेचर की हम बात करें तो इसका क्या हो जाता है वी चुंबकन, तो इसी ऑप्शन के हिसाब से चुंबकन व क्रॉस चुंबकन होता है, ठीक है। मेन फ्लक्स का आर्मेचर के फ्लक्स पर पड़ने वाले प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन के हम नाम से जानते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। समझ के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एचएससी के अंदर कहीं भी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर का अधिक गर्म होने वाला भाग है, ट्रांसफार्मर किससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि लाइनमैन का रिलेटेड जो वर्क होता है वो ट्रांसफार्मर से ही जुड़ा होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग होता है कुंडली, ठीक है, कुंडली यानी दोस्तों कॉयल जो तेल के अंदर रखी होती है, ठीक है, जिनको ठंडा रखने का काम किसका होता है, हमारे ऑयल का, ठीक है, खनिज ऑयल जो डाला जाता है जो हमारे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी मजबूत करता है और कॉयलों को क्या रखता है, ठंडा भी रखता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। विद्युतशीलता की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परमिटिविटी की, इसकी बात की गई है विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, फैराड मीटर, ठीक है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, फैराड मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट बराबर होता है, ये क्वेश्चन सेम का सेम एचएसए के एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, ये दोस्तों 10^5 है, ये भी 10^5 है, ये सटा जो लगाने का मतलब है 10^5, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी, 10^10^5 जूल, इसको किस में हम कन्वर्ट कर रखा है, जूल में, तो एक विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट का जो विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है वो होता है 10^10^5 हम कर सकते हैं 36 लिखा हुआ, मैं 10 बोल रहा हूँ, 36^10^5 जूल, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर किसका मान नहीं बदलता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसका मान नहीं बदलता, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ये रहेगा फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की, आवृत्ति का मान जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, ट्रांसफार्मर की जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको दोस्तों HZ में मापा जाता है, हर्ट्ज में, या दोस्तों मापा जाता है CS में, साइकिल सेकंड में। देखो वैसे देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में समझे तो एक सेकंड में जितने हमारी AC की सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट है, जो अपने एक सेकंड में जितने मान पूरे करती है, ठीक है, जितने सर्कल लगाते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो हमारी AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो 50 साइकिल हर्ट्ज सेकेंड का मतलब है एक सेकेंड में कितने सर्कल इसने लगाए, ठीक है, तो हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है, एक डीसी जनरेटर की दोस्तों हम बात करें तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है वो होता है करंट को एक डीसी करना, ठीक है, जो अंदर हमारे डीसी जनरेटर के अंदर जो करंट पैदा होता है वो किस लेवल का होता है, वो AC का होता है, ठीक है, उसको किस दिशा में कन्वर्ट करना, एक डीसी में, एक डीसी का मतलब होता है डीसी में कन्वर्ट करना,
ठीक है, यहाँ ए सी टू डी सी लिखा होता तो ए ऑप्शन हमारा राइट होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डी सी टू ए सी, ठीक है। तो डी सी टू ए सी एक डीसी जनरेटर जो है कम्यूटेटर का कार्य नहीं होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है ए सी सप्लाई को डी सी सप्लाई में कन्वर्ट करना, क्योंकि दोस्तों ए सी सप्लाई ही जो हमारा आर्मेचर होता है उसके अंदर पैदा होती है, और उस आर्मेचर से कार्बन ब्रूस या दोस्तों कम्यूटेटर सप्लाई लेके किस सप्लाई में कन्वर्ट करता है, डी सी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो करंट को एक डी सी करना, ठीक है, एक डी सी जनरेटर में कम्यूटेटर का ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी दोस्तों एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है, बात की गई है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, शक्ति गुणक पर, ठीक है, पावर फैक्टर यानी दोस्तों शक्ति गुणों को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, पावर फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है, पावर फैक्टर पर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पावर हाउस में विभिन्न प्रकार की लगी हुई रिले का कार्य होता है, जो बहुत सारी रिले वगैरह लगी होती है पावर हाउस के अंदर, जैसे फीडर की हम बात करें, ठीक है, जैसे हम एक पावर हाउस सब स्टेशन की बात करें, जैसे मैं एक सब स्टेशन में जो है एज ए ऑपरेटर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिले वगैरह लगी होती है, बहुत सारी रिले लगी होती है, ठीक है, अलग अलग रिले होती है, जैसे सी एन एस की होती है, सीधा की होती है, बहुत सारी कंपनियों ने रिले बना रखी, तो उस रिले का कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। फीडर को सेफ रखना, रिले का कार्य होता है किसी भी ओवरलोडिंग या किसी भी प्रकार के अनहेल्दी सर्किट होने पर, किसी भी ओवरलोड करंट होने पर, किसी भी शॉर्ट सर्किट होने पर, या किसी भी टाइप का तार अगर टूट के नीचे गिर जाता है तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है, ये रिले ऑपरेट हो जाती है, ये पूरे फीडर को सिग्नल भेजती है और फीडर को ट्रिप करवा देती है, फीडर को क्या करवा देती है, बंद करा देती है, ठीक है। तो इस रिले का कार्य होता है फीडर को भी सेफ रखना, लाइन को भी सेफ रखना और ऑपरेटर को भी सेफ रखना, क्योंकि दोस्तों अगर रिले सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो ऑपरेटर भी खतरे में है, लाइन भी सेफ नहीं है और फीडर भी हमारा पूरा का पूरा खतरे में है, क्योंकि फीडर भी क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो एक पावर हाउस में विभिन्न प्रकार की लगी हुई रिले का कार्य होता है फीडर सेफ रखना, लाइन सेफ रखना और ऑपरेटर को भी सेफ रखना, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपको पोल पर चढ़ने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या देखना होता है, पोल पर चढ़ना है उससे पहले आप क्या देखोगे। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा ए, लाइन बंद है या चालू है, सबसे पहले यही आप तसल्ली करोगे कि लाइन चल रही है या बंद है, ठीक है। कैसे करोगे, या तो दोस्तों परमिट लेके फ़ोन पे बात करके, ठीक है, आप दूर हो लाइन पे काम कर रहे हो तो आप फ़ोन करके पता करोगे ये लाइन चल रही है या बंद है, या इस फीडर की ट्रॉली अंदर है या बाहर है, आप सारी चीज़ों की तसल्ली करने के बाद जो है आपको पोल पर चढ़ना है, ठीक है। तो आपको पोल पर चढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या देखना होता है, लाइन बंद है या चालू है, ठीक है, ये देखने के लिए आपको जो है पावर हाउस के अंदर किसी भी शिफ्ट अटेंडेंट के पास कॉल करनी पड़ेगी जिस लाइन पर आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, जिसकी ऑन द स्पॉट वहां पे जो है ड्यूटी है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मापन यंत्रों कैलिब्रेशन में स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयुक्त किया जाने वाला सेल है, ठीक है, प्रयोगशाला में मापन यंत्रों कैलिब्रेशन में स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयुक्त, ठीक है, प्रयोगशाला की बात की गई है, ठीक है, मापन यंत्रों में कौन सा स्टैंडर्ड सेल का प्रयोग किया जाता है, तो लैंकलांसी सेल का वहां पर प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार प्रतिरोध समान वैल्यू के पैरेलल में जोड़े गए हैं तो उनका मान क्या होगा, इनका मान दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मान लो चार ओहम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े गए हैं, पैरेलल का मतलब होता है ये चार रेजिस्टेंस हो जाते हैं हमारे पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, वन बाय आर टी आर वन प्लस आर टू, इनका आप एलसीएम लेके इस सवाल को सोल्व करके मेरे को बताओगे कि चार समान वैल्यू के प्रतिरोध जो है पैरेलल में जोड़े जाएं तो उनका मान क्या होगा, आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई करना है। एक ओम होगा, शून्य होगा, चारों के जोड़ के बराबर होगा और एक प्रतिरोध मान के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों हम पैरेलल की बात करें तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है, और दोस्तों हम सीरीज की बात करें तो आर वन प्लस आर टू, यानी दोस्तों सभी के सभी सीरीज में हम जोड़ देंगे तो वो हमारा सीरीज की वैल्यू आ जाएगी, हम बात कर रहे हैं पैरेलल की, तो आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, जो एसी को एसी सप्लाई को अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में जो चेंज करता है उस उपकरण को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों रेक्टिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है, और ये किसका सिंबल होता है, रेक्टिफायर का, किसका सिंबल होता है, ये रेक्टिफायर का होता है। तो एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सी मोटर का प्रयोग शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कौन सी मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग जो है वो पावर फैक्टर को अप यानी पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैसे दोस्तों छोटे छोटे सर्किटों के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग भी पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इंडक्टिव लोड को अगर आप कम करोगे तो भी हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूव होता है, पावर फैक्टर के अंदर सुधार होता है। इंडक्टिव लोड दोस्तों कौन से होते हैं, जैसे हमारे किसी भी प्रकार की मोटर है घर के अंदर, सीलिंग फैन की ले सकते हैं या दोस्तों ट्यूबवेल की मोटर ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की मोटर जिसके अंदर जो है वाइंडिंग लगी हो उसको इंडक्टिव सर्किट या दोस्तों इंडक्टिव पार्ट इंडक्टिव मशीन जो है उसको कहा जाता है। तो कौन सी मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो सिंक्रोनस मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक डीसी जनरेटर का भाग नहीं है, भाग दोस्तों पूछा गया है डीसी जनरेटर का, तो दोस्तों योक यानी बॉडी ये तो सभी का पार्ट होती है, पोल यानी दोस्तों अंदर पोल लगे होते हैं, ये हमारे पोल होते हैं एक मोटर के अंदर, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो पोल भी होते हैं मोटर के अंदर, ठीक है, ये हमारा मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है, और आगे है हमारा कम्यूटेटर, और एक डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर भी लगा होता है दोस्तों, एक डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग नहीं लगा होता, क्या नहीं लगा होता, स्लिप रिंग, ठीक है, तो एक डीसी जनरेटर का भाग नहीं है स्लिप रिंग, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी स्लिपरिंग, स्लिपरिंग लगे होते हैं थ्री फेज मोटरों के अंदर, थ्री फेज की स्लिपरिंग मोटर होती है उन्हीं के अंदर स्लिपरिंग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध कलर कोडिंग में 7 नंबर प्रदर्शित करता है, यानी दोस्तों 7 नंबर जो है वो क्या अंकित करता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑन हिज वाइफ ऐसे करके एक ट्रिक बनती है, उस ट्रिक से हम सारे के सारे कलर कोड याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके दोस्तों अलग अलग कलर बने होते हैं, क्या बने होते हैं, अलग अलग यहाँ पर कलर की पट्टी लगी होती है, और इन कलर की पट्टी से ही हम जो है रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कहीं भी रेजिस्टेंस का मान अंकित नहीं होता है, ठीक है, तो प्रतिरोध कलर कोडिंग में 7 नंबर प्रदर्शित करता है, तो ये बैंगनी रंग को प्रदर्शित करता है, किस रंग को, बैंगनी रंग को, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर लेमिनेशन की धातु किसकी बनी होती है, तांबे की, सिलिकॉन स्टील की, पीतल की, या दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, लोहा की, तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें हमारा, बी सिलिकॉन स्टील की। आर्मेचर लेमिनेशन की धातु जो बनाई जाती है वो सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों को बीच में जो है उसको लेमिनेटेड करके या दोस्तों उनको उनके ऊपर लेमिनेशन करके जो आपस में स्टैम्प किया जाता है उनको इकट्ठा किया जाता है और फिर दोस्तों आर्मेचर जो है पूरा कंप्लीट तैयार किया जाता है, तो आर्मेचर लेमिनेशन की धातु सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का या कार्बन का, तो इसका भी दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, कार्बन का। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन की क्वालिटी होती है उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है घटता रहता है, धीरे धीरे क्या होता रहता है कम होता रहता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर वायर किस किस का मिश्रण होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी टीन और लेड का। सोल्डर वायर किसका मिश्रण होती है, टीन और लेड का, इसका अनुपात भी होता है दोस्तों 40:60, ठीक है 40:60, इसको टीन और लेड को आपस में मिलाया जाता है और सोल्डर वायर का जो है बनाया जाता है, सोल्डरिंग आयरन के थ्रू इसका यूज किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में जो होने वाला लीकेज जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, लोड करंट पर, भार धारा पर, ट्रांसफार्मर का लीकेज जो है वो निर्भर करता है भार धारा पर यानी लोड करंट पर, लोड करंट कितना कम चल रहा है, अगर कम चल रहा है तो कम है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ रहा है तो लीकेज फ्लक्स भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध पैरेलल में जोड़े जाते हैं तब प्रतिरोध कम होता है, बढ़ता है, बराबर रहता है या क्या रहता है, क्वेश्चन ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने दोस्तों दो पार्ट अलग से अपलोड कर दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो प्लेलिस्ट अलग से आपको मिल जाएंगे, वो दो पार्ट भी आप जरूर देख लें। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो एक प्लस एक ऐसे जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस को, और पैरेलल में जब जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रेक्टिफायर के किस रूप को शुद्धता के रूप में जाना जाता है,
शुद्ध रेक्टिफायर के रूप में किसे जाना जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी रहेगा, ब्रिज रेक्टिफायर को शुद्ध रूप के रेक्टिफायर के रूप में। यानी दोस्तों एसी टू डीसी अगर हमें बिना फ्लक्चुएशन की डीसी चाहिए, शुद्ध रूप में डीसी चाहिए, तो हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन अगर बच भी जाती है डीसी के अंदर, तो उसको कैपेसिटर वाई थ्रू कैपेसिटर के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटर भी यूज किया जाता है। इसके अंदर हाफ वेव के अंदर एक रेक्टिफायर यूज किया जाता है, फुल वेव के अंदर दो रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं, और ब्रिज के अंदर चार रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। और जो हमारा जनरेटर होता है दोस्तों, जो आमतौर हम घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर आपने देखा भी होगा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। बेकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। बेकोल्स रिले की दोस्तों बात की गई है, कहां पर बेकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, ऑयल ट्रांसफार्मर में बेकोल्स रिले का यूज जो है किया जाता है। वायुकूलित ट्रांसफार्मरों में नहीं होता। 10 MVA ट्रांसफार्मर तो किसी भी MVA का हो सकता है या उपरोक्त सभी में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर बेकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओम के नियम के अनुसार करंट और वोल्टेज होते हैं। तो करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और रेजिस्टेंस यानी दोस्तों प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उसके उल्टे अनुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, एक ओम के नियम के अनुसार करंट और वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, जबकि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, जैसे टेम्परेचर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या हो, जब कॉन्स्टेंट हो तो समानुपाती होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। निम्न में किसके फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है, किसके फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है। देखिए दोस्तों, फ्लक्स किसी भी प्रकार का हो उसको वेबर में ही मापा जाता है, चाहे वो आर्मेचर का फ्लक्स है, चाहे पोल का फ्लक्स है, चाहे वाइंडिंग का फ्लक्स है, किसी भी प्रकार के फ्लक्स को किस में मापा जाता है, वेबर में मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव के ट्रांसफार्मर का बार बार जल जाने की मुख्य वजह मानी जाती है। एक गांव का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कहीं पर भी और वो बार बार जल जाता है, तो उस जलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, वो पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, इसमें ओवरलोड, ओवरलोड होने की वजह से ही ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो बार बार जल जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन है, तो कौन सा रसायन ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के अंदर यानी दोस्तों ब्रीथर के अंदर यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, सिलिका जेल। सिलिका जेल का यूज ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में किया जाता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में आने वाली नमी को सोख लेता है, जो नमी को सोखता रहता है, जो ट्रांसफार्मर का सांस लेना भी इसी से ही क्या है, संबंधित है। इसको सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड दो नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FET का पूर्ण रूप क्या है। सिलिका जेल का दोस्तों शुष्क अवस्था में क्या कलर होता है, और दोस्तों इसको सुखाने के बाद क्या कलर होता है, खराब होने के बाद क्या कलर होता है, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जरूर बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से लाजमी पूछा जाता है। फील्ड इफेक्ट का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोस्तों हम सारी की सारी जल्द से जल्द फुल फॉर्म कवर कर देंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन लाइनमैन के एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CT की सेकेंडरी कुंडली धारा की क्षमता होती है। CT दोस्तों हम बात कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर की, जो हाई क्षमता के करंट को मापने के लिए प्रयोग जिसका किया जाता है उसको CT कहा जाता है। PT का प्रयोग दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग हाई वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। तो CT की सेकेंडरी जो कुंडली की धारा जो क्षमता होती है वो 10 एम्पेयर की होती है। करंट को किस में मापा जाता है, एम्पेयर में मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की प्लेटों का मुड़ जाना किस प्रकार के फॉल्ट को इंगित करता है। लेड एसिड की बैटरी है, उसके अंदर प्लेटें लगी हुई है। ठीक है, उन प्लेटों का आपस में मुड़ जाना किस प्रकार के फॉल्ट को इंगित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है, बकलिंग। प्लेटों का आपस में मुड़ जाना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। सेडिमेंटेशन एक दोस्तों हमारा होता है फॉल्ट, सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है, बैटरी की प्लेटों पर सल्फेट की तह जम जाना फॉल्ट को सल्फेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन किसे कहा जाता है, बैटरी की प्लेटों का जो है झड़कर नीचे गिर जाना सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो हमारी घरों में यूज होने वाली लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर ये तीन प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, बकलिंग। बैटरी की प्लेटों का आपस में मुड़ जाना क्या कहलाता है, बकलिंग जो है कहा जाता है। और ये इन सभी प्रकार के फॉल्ट के अंदर बैटरी की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है तो वह कम करेगा। यानी दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर हो जाता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न क्या है कम है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या है टर्न ज़्यादा है तो वह कम क्या करेगा, क्वेश्चन शानदार पूछा जाता है और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, करंट को कम करेगा, वो क्या करेगा करंट को कम करेगा और वोल्टेज को क्या करेगा बढ़ाएगा, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा है तो वो एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोस्तों करंट को कम करता है और वोल्टेज को क्या करता है बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छत के पंखे की स्पीड कम हो गई है तो कारण हो सकता है बेयरिंग हार्ड, खराब कैपेसिटी या दोस्तों वोल्टेज कम। राइट ऑप्शन की बात करें तो वैसे सभी रहेगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि कैपेसिटर खराब हो सकता है, बेयरिंग हार्ड हो सकता है या दोस्तों वोल्टेज की भी कमी उसमें पाई जा सकती है। जो हमारा घर का फैन होता है वो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट जो है रन मोटर वाली मोटर जो है उसके अंदर यूज करते हैं, कैपेसिटर से स्टार्ट होती है और रन वो दोस्तों अपने आप करती है, उस टाइप की मोटर जो है सीलिंग फैन के अंदर घरों के छत के पंखे में यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट ढूंढने का सबसे सेफ तरीका है, यानी दोस्तों सबसे सेफ तरीका इसमें पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, पेट्रोलिंग करके, सभी लाइनों की जो है आराम से पेट्रोलिंग करके लाइन टू लाइन पोल टू पोल उसके बाद जो ट्रायल लगवाई जाती है उसको दोस्तों सबसे सेफ तरीका फॉल्ट ढूंढने का माना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, पेट्रोलिंग करके। अगर फिडर ट्राई से आप फॉल्ट ढूंढ रहे हो तो एक रिस्की काम है, कहीं से भी कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है या तार टूट सकता है, पोल पर चढ़कर दोस्तों कभी भी फॉल्ट नहीं ढूंढा जाता है, ठीक है, पोल पेट्रोलिंग करके जो है फॉल्ट ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले शोर को कहते हैं, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न वाले होने वाले शोर को क्या कहते हैं, हमिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, सायरन नहीं कहते, रिंगिंग नहीं कहते या बीजिंग नहीं कहते, हमिंग के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़कर तब फॉल्ट ढूंढा जाता है जब हम ट्रांसफार्मर पर उस लाइन पर, ठीक है, परमिट ले लेते हैं जिसको PTW के नाम से जानते हैं, ठीक है, परमिट अगर आपने ले लिया है तो पोल पर चढ़कर आप फॉल्ट ढूंढ सकते हो, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो पेट्रोलिंग करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भरी होती है, किस में भरी होती है, बात कर रहे हैं सिलिका जेल की, कैल्शियम क्लोराइड की, तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, ब्रीथर के अंदर, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल किसके अंदर भरी होती है, ब्रीथर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लोड इंडक्टिव माना जाता है, कौन सा लोड जो है इंडक्टिव माना जाता है, तो अभी जस्ट हमने कवर किया था किसी भी प्रकार के मोटर के अंदर जिसके अंदर रोटेटिंग पार्ट जो है होता है उसको दोस्तों हम जो है इंडक्टिव लोड कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी वाइंडिंग के थ्रू कोयल बनी होती है और कोयलों वाला कोई भी लोड होता है उसको दोस्तों हम इंडक्टिव लोड या दोस्तों इंडक्टर वाला लोड कहते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर दोस्तों लोड नहीं होता है, हीटर के अंदर जो है ये सभी के सभी जो बाकी लोड है ये रजिस्टिव लोड है, कौन से लोड है, रजिस्टिव लोड, मोटर जो है वो दोस्तों कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की बड़ी लाइन पर तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं, तड़ित चालक की दोस्तों हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर की, लाइटनिंग अरेस्टर जो लगाए जाते हैं वो दोस्तों आसमानी बिजली से किसी भी चीज़ को बचाने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे दोस्तों आपने बड़े बड़े ईंट भट्टों पर देखा होगा ये इस प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो लगे होते हैं, तो वो आसमानी बिजली से बचाने के लिए जो है लाइटनिंग अरेस्टर या दोस्तों हिंदी में कहते हैं तड़ित चालक जिनको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है ऑयल को ठंडा रखना, गर्म करना, बाहर ना निकालना या दोस्तों समायोजित रखना, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का जो कार्य होता है वो होता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को संकुचन को समायोजन को संयोजित रखना, ठीक है, एक सही लेवल पर ट्रांसफार्मर के ऑयल को बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों जब ठंड का मौसम आता है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल सिकुड़ जाता है, ट्रांसफार्मर टैंक में आ जाता है, और दोस्तों जब गर्मी का मौसम आता है तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो दोस्तों फैलने लगता है, जो कंजर्वेटर ड्रम के अंदर जाके जमा हो जाता है। RLC सर्किट में इंपीडेंस को मापा जाता है, RLC जो सर्किट होता है दोस्तों उसके इंपीडेंस को ओम्स में मापा जाता है। RLC दोस्तों सर्किट होता है हमारा रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, तीन प्रकार के सर्किट जो है हमारे RLC सर्किट के अंदर होता है, एक तो रेजिस्टेंस वाला, एक दोस्तों इंडक्टेंस वाला और एक होता है कैपेसिटेंस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइन पर कार्य करने से पहले सबसे जरूरी है, सबसे ज़रूरी जो लाइन पर कार्य करने वाला होता है वो होता है परमिट लेना, ठीक है, तो लाइन पर कार्य करने से पहले परमिट लेना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे पहले ज़रूरी माना जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीटी की सेकेंडरी कुंडली की वोल्टेज क्षमता होती है पीटी की, सीटी की हमने 10 एम्पेयर अभी अभी पढ़ी थी। पीटी से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सीटी होता है दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर जो हमारे हाई करंट को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज की कुंडली क्षमता होती है वो होती है 110 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर को मापा जाता है, पावर को किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। पावर को मापने पावर के क्या क्या फार्मूले बनते हैं वो भी दोस्तों हम जरूर करेंगे, ठीक है। कितने फार्मूले पावर को मापने के हैं, कितने फार्मूले जो है वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को, और इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन तो लाजमी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पावर को मापा जाता है वाट में। विद्युत विभाग में आजकल ज़्यादा दुर्घटनाओं का मुख्य कारण माना जाता है। जो विद्युत इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत सारे जो हादसे जो होते रहते हैं, ठीक है। आज का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, तो उन हादसों के अंदर सबसे मुख्य जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, बिना सेफ्टी कार्य करना, कार्य करते समय बातें करना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना, या करंट लग जाना। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, बिना सेफ्टी के कार्य करना। करंट लग जाने से ही जो है दुर्घटना नहीं होती, पोल से गिर जाना भी एक दुर्घटना मानी जाती है, ठीक है। जो करंट लग जाने से जो है, जरूरी नहीं है कि एक पोल से गिरने वाला व्यक्ति करंट लगने से गिरा हो। तो बिना सेफ्टी के कार्य करने से विद्युत विभाग में आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएँ जो है होने लगी है, तो बिना सेफ्टी के कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, ठीक है, या दोस्तों वहां पर जो है आपको पेटीएम या फोन पे या दोस्तों गूगल पे नंबर दिया होगा, उस पे आप 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, और उसमें दोस्तों आपके आज तक जितने भी एचएससी या राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं लाइनमैन परीक्षा से संबंधित वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और लगभग 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक आपको पूरी की पूरी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट कल पार्ट में, पार्ट नंबर 4 के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये हमारा आज का तीसरा पार्ट रहेगा, 2 पार्ट इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं, वो जरूर देख लें। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।